हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टिकी रीजनिंग वाला में। दोस्तों, और आज मैं लेकर आ गया हूँ एक नया वीडियो अरेंजमेंट पर, क्योंकि हमारा जो टॉपिक रीजनिंग में चल रहा था वो चल रहा था सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें कई टाइप के सवाल बनते हैं, गोले में बनते हैं, जहाँ व्रत में कुछ लोग बैठे हैं इर्द गिर्द और केंद्र की ओर मुख करके हैं। उसके बाद लाइन अरेंजमेंट, वर्गाकार मेज़ में भी सवाल आ जाते हैं। तो मैं सेकेंड टाइप आज लेकर आया हूँ, सरल रेखा में लोग बैठे हों, उत्तर की ओर मुँह करके, पश्चिम की ओर मुँह करके, पूर्व की ओर मुँह करके या दक्षिण की ओर मुँह करके। अगर इस तरह से सरल रेखा में कुछ लोग बैठे हों तो हम उन्हें किस तरीके से बनाएंगे, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हालांकि मैंने पहले वीडियो में आपको सारी बेसिक डिटेल बता दी थी, लेकिन एक अप्रोच होती है किसी क्वेश्चन को करने के लिए कि हम कहां तक सोचें, कैसे बनाएं, कैसे हम लोगों को परिवर्तित करके नया अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो हम क्वेश्चनों पर आज बात करेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन हम लाइन अरेंजमेंट के करेंगे और इसी प्रकार हम हर तरह का अरेंजमेंट करेंगे जो किसी ना किसी पिक्चोरियल फॉर्म में आता है, चाहे वो मेज़ का हो, अंदर बाहर मुंह वाले हों, या लाइन अरेंजमेंट हो, या सर्किल का हो, सारे हम करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ लाइन अरेंजमेंट। आपको स्क्रीन पर सारे सवाल दिखाई देंगे। हालांकि मैंने अपने लिए ये सीट ली है और मैं इसमें से क्वेश्चन देखूंगा, आपको बोर्ड पर दिखाई देगा। तो पहला सवाल ये है जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि ए पी आर एक्स एस तथा जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, और पंक्ति में जब लोग बैठते हैं तो दोस्तों या तो ऐसे बैठते हैं या फिर इनका मुंह या तो उत्तर की होगा या दक्षिण की ओर होगा, या एक लाइन और बन सकती है इस तरीके से जिसमें लोगों का मुंह एक तरफ पूर्व की ओर या पश्चिम की तरफ भी हो सकता है। मैं सारे के सारे अरेंजमेंट ऐसे ही बनाऊंगा। अगर मेरे को उत्तर की ओर बात कही गई है तो लोगों का मुंह उत्तर की ओर होगा, तो जैसे आप बैठे हैं वैसे ही आपका बायां बायां और आपका दायां दायां, तो ये बाईं साइड हो जाएगी और ये दाईं साइड हो जाएगी, जैसा कि हम सीख चुके हैं। लेकिन यही मुंह लोगों का दक्षिण की ओर होता तो भी मैं लाइन ऐसे ही बनाता, लेकिन अब ये अपोजिट हो जाएगा क्योंकि लोगों का मुंह इस तरीके से है, तो ये बायां हो जाएगा। अब जब बाईं बात चलेगी तो मैं इधर से बनाऊंगा और दाईं बात चलेगी तो दाईं साइड के लिए मैं इधर से चलूंगा। तो ये बातें अब हम लेकर चलेंगे, और उसके बाद वो चाहे पूर्व की ओर मुंह बोले चाहे पश्चिम की ओर मुंह बोले, ये बायां रहेगा ये दायां रहेगा, इसको भी हम अपोजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, इस तरफ बायां हो जाएगा, इस तरफ दायां हो जाएगा। अगर लोग ऐसे बैठे हैं तो ये बायां और ये दायां, लेकिन लोग अगर ऐसे बैठे हैं तो ये बायां और ये दायां, अपोजिट। तो इनकी अप्रोच हम ऐसे ही करेंगे, ज्यादा काम ना करते हुए सिर्फ एक लाइन पे सारे अरेंजमेंट हम बनाएंगे। पहला सवाल है ए पी आर एक्स एस तथा जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, उनमें एस तथा जेड बीच में बैठे हैं और ए तथा पी सिरों पर बैठे हैं। सिरों का मतलब होता है छोर, जो साइड होती है पंक्ति की स्टार्टिंग की और एंड की, उन्हें बोलते हैं हम सिरे या छोर। आर ए के बाईं ओर बैठा है, तब पी के दाईं ओर कौन बैठा है? मुझे इस पंक्ति में कहीं पर भी ऐसा नहीं बताया गया कि लोगों का मुंह उत्तर की ओर है कि दक्षिण की ओर। और जब दिशाओं का ज्ञान आपको ना दे रखा हो तो आपका बायां बायां और आपका दायां दायां होता है। तो लाइन हमने खींची इस तरीके से, लोग बैठे हैं और कितने लोग हैं ये गिनने का काम आपका है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लोग हैं, और 6 लोगों को अब हम ऐसे ही समझेंगे कि ऊपर की ओर मुंह है जैसे हमारे हैं। वो ऐसा ही चाहता है कि अगर उसने डायरेक्शन नहीं बताई तो आप सेल्फ अकॉर्डिंग चलेंगे, अपने हिसाब से अपना दायां बायां जैसा है वैसे ही चलाएंगे। तो कहता है उसमें एस तथा जेड बीच में है, एस तथा जेड बीच में है और ए तथा पी सिरों पर है, ए तथा पी सिरों पर है, यानी कि ये जो दो छोर हैं यहां ए और पी है, या तो ए यहां है या पी यहां है, लेकिन कंफर्म नहीं है, तो पी भी यहां हो सकता है और ए यहां हो सकता है। छोटे अरेंजमेंट है, दो अरेंजमेंट ना बनाएं, टाइम ज्यादा लगेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको कि आप उन चीजों को ध्यान से देखें जो मैं कर रहा हूं। उसने ये कहा कि ए तथा पी सिरों पर है, सिरों का मतलब छोर पर है, तो या तो ए इधर होगा पी इधर होगा या ए इधर होगा पी इधर होगा, लेकिन दोनों छोर पर ही रहेंगे। अंदर के 4 लोग और बच गए, उनका मुझे पता नहीं है किस तरह से है। फिर कहता है
एस तथा जेड बीच में है, एस तथा जेड बीच में है, एक तीन चार पांच छह लोग हो गए। इन दोनों से फिक्स हो गया कि आदमी ना तो इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, अंदर ही रहेंगे। तो अंदर के चार लोग ऐसे हैं और वो कहता है एस और जेड कहां है, बीच में। तो एस और जेड के लिए तो ये दो ही जगह हुई बीच में, अगर यहां बैठा देंगे तो बीच में नहीं आएगा। लाइन का जो मध्य भाग है वो यही है, या तो एस जेड ऐसे हैं या एस और जेड ऐसे बैठे हैं। इस बात को भी समझे, या तो एस इधर होगा जेड इधर होगा, या जेड इधर होगा एस इधर होगा। अब आगे कोई एक बात ऐसा कहेगा वो, जहां मुझे ये जो सवाल उसने पूछा है, जो गिवन है यहां पर, कि तब पी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो पी के दाईं ओर इधर कौन बैठा ही तो जा ही नहीं सकता पी इधर। देखिए पी तो इधर जा ही नहीं सकता। खैर हम चलते स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। कहता है आर ए के बाईं ओर बैठा है, आर जो है वो ए के बाईं ओर बैठा है, क्या ये ए हो सकता है? अगर ये ए होगा तो इसके बाईं ओर आपको बैठाना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा है आर ए के बाईं ओर। अगर आपके पास आर ये है तो इधर बैठाना पड़ेगा, इधर तो है ही नहीं लोग, तो कौन हो गया ए इधर आ गया फिर इसका मतलब, क्योंकि ए के बाईं ओर जाना पड़ेगा तो ए इधर नहीं हो सकता, इधर पक्का पक्का पी ही आएगा, और आर ए के बाईं ओर है तो इसलिए मैंने बना दिया दो लोग मध्य में है इसलिए यहां बैठेंगे। एक आदमी और बच गया, एक आदमी कौन बच गया, एक्स बच गया। मुझे इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, बीच में बैठे हैं एस जेड, ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं, दो पैलेसिंग दो लोग, लेकिन एक्सचेंज भी हो सकते हैं, स्विच हो सकते हैं। आगे कहता तब पी के दाईं ओर कौन बैठा है, पी के दाईं ओर कौन बैठा है, एक्स। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बड़े ही अच्छे कंसेप्ट के सवाल हैं, डबल लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, एक ही पैलेस पर दो लोग मानकर हम चल सकते हैं, अरेंजमेंट हमारा बहुत इजी और आसान हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। छह मित्र ए बी सी डी ई और एफ पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं, पूर्व का मतलब इधर और इधर का मतलब ऊपर वाला बायां नीचे वाला दायां, समझ लीजिए बात को। इस तरह से लोग बैठे हैं इस तरीके से, तो ये बायां हो जाएगा और ये दायां। इस लाइन को यूं कर लीजिए सीधा, यूं लोग हो जाएंगे ऊपर की ओर मुंह करके, तो ये हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा दायां। वापस वही बात है जैसे उत्तर की ओर कर रहे थे, जब पूर्व की बात आए तो आप उत्तर की ओर लेकर चलिए, ऊपर से आप बायां आएंगे तो ये भी ऊपर ही होता है, रैंकिंग में हमने पढ़ा है, तो ये भी इधर से बाएं चलेंगे। तो लाइन बनाई, लोग ऊपर की ओर देख रहे हैं ऐसा हमने मान लिया, क्योंकि पूर्व है, लाइन यूं थी, लाइन को हमने यूं कर दिया तो ये बायां हो गया ये दायां हो गया। और कहता है सी बीच में है ए और ई के, लेकिन ए और ई कहां होंगे ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि छह लोग हैं उसने बता दिया, छह मित्र हैं, सी बीच में है ए और ई के, अब किधर होंगे, या हो सकता है इस कॉर्नर पर हो तीन लोग या बीच में हो, कोई भी पोजिशनिंग उनकी हो सकती है। तो देखते हैं इसी प्रकार से लाइन है और हम देखते हैं कि सी बीच में है ए और ई के, ए और ई के बीच में कौन है, सी है, लेकिन ई इधर भी हो सकता है और ए इधर भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो मैंने एक बार बनाया है, पैलेसिंग को डिसाइड ना करें कौन कहां बैठा है, मैंने ये नहीं कहा कि ये इस छोर पर है, इस छोर पर है या बीच में है, मैं सिर्फ जैसे वो कह रहा है वो बना रहा हूं, क्योंकि उसने कहा है सी ए और ई के बीच में है, ई और ए के बीच में ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी, लेकिन सी बीच में ही है तो बैठा दिया। आगे कहता है बी ई के निकटतम दाएं है, बी जो है ई के निकटतम दाएं, अगर ये ई है तो ई का निकटतम दाया तो ये होगा, तो जहां सी पहले से बैठा है। ये कुछ एक बातें हैं जो अरेंजमेंट को सही करवाती हैं, जहां डाउट आ रहा है उस डाउट को क्लियर करती हैं। तो उसने कहा कि बी ई के निकटतम दाएं है, तो ई अगर यहां है तो बी नहीं हो सकता इधर, पहले सी बैठा है तो इसका मतलब ई नहीं है, यहां कौन है, ए है, यहां ई है, अब बी बैठेगा इसके निकटतम दाएं ई के। आई बात समझ में? आगे कहता है लेकिन बी के बाईं ओर है, लेकिन किंतु परंतु का अर्थ पहले वाला, बी बी ई के निकटतम दाएं, लेकिन का मतलब बी डी के बाईं ओर है, बी जो है वो डी के बाईं ओर है, ये अरेंजमेंट था। आगे कहता है एफ दाएं छोर पर नहीं है,
पांच लोग हम बैठा चुके, एफ दाएं छोर पर नहीं है और लोगों के सीक्वेंस पांच आ गए तो एफ यहां बैठेगा, तो लोग हमारे पास बैठ गए, यही अरेंजमेंट था क्योंकि उसने कहा एफ दाएं छोर पर नहीं है, छह ही लोग थे, एफ को इधर नहीं बैठा सकते तो एफ को इधर बैठाना पड़ेगा, बीच में जगह ला नहीं सकते क्योंकि ऐसा ही है, सी ए और ई के मध्य ही बैठा है, ई के दाएं बी है और इस तरीके का अरेंजमेंट उसने बताया था। इसका मतलब एफ के लिए एक ही जगह बची और वो जगह है बाएं छोर पर। और सवाल इसमें इंक्लूड है डी के साथ कौन सा जोड़ा बैठा है, डी के साथ, डी के पड़ोसी नहीं पूछे उसने, डी के साथ कौन सा जोड़ा बैठा है, जोड़े में बताया है ई और बी। ऑप्शन में देखिए कहीं है क्या, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन होगा जहां लिखा है ई बी, और यही दो लोग हैं जो इसके साथ जोड़े में बैठेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें आगे, पांच मित्र एक मेज पर बैठे हैं, सुनील सुनीता के पास बैठा है और संजय बिंदु के पास बैठा है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास बैठा है तो वो इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है क्योंकि वो उसके पास बैठा है, लेकिन अरेंजमेंट में सभी चीजें क्लियर होंगी, क्लियर नहीं होंगी तो भी उनका एक निश्चित पैटर्न है कि आप उनको कहां बैठा सकते हैं। देखते हैं, सुमित बेंच के बाईं छोर पर है और संजय दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, सुनील और संजय एक साथ बैठे हैं। बात यह है सुमित बेंच के बाईं छोर पर है, यह लाइन है और उसने ऐसा बताया है, डायरेक्शन उसने बताई नहीं, अब तो अपने हिसाब से चलना है हमें। सुमित बेंच के बाएं छोर पर है, यहां कौन है, सुमित है, हमें अपने हिसाब से चलना है, यहां कौन है, सुमित है। और सुमित बेंच के बाएं छोर पर और संजय दाएं से दूसरे स्थान पर, संजय दाएं से दूसरे स्थान पर, तो यहां संजय है, यहां पता नहीं कौन बैठेगा लेकिन संजय दाएं से दूसरे स्थान पर है, सुमित बाएं छोर पर है। तो लोग कितने हैं इसमें, लोग पांच ही हैं, तो तीन ये लोग बैठ गए, दो यहां होंगे कहीं, तभी तो पता चलेगा ये बाएं छोर से है, ये दूसरा हो गया, इधर दो लोग होंगे, इधर एक तीन, तो दो बीच में ही आएंगे, अब फिक्स हो गया पैटर्न। तो इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखकर अरेंजमेंट बनाएं, अरेंजमेंट बिल्कुल सही बनेगा। आगे कहता है सुनील और संजय एक साथ बैठे हैं, तो सुनील और संजय एक साथ बैठेंगे तो सुनील यहां पर भी आ सकता है और सुनील यहां पर भी आ सकता है, क्योंकि सुनील और संजय एक साथ इधर भी हो सकते हैं और इधर भी हो सकते हैं। आगे क्या बात कहता है, संजय बिंदु के पास बैठा है, संजय बिंदु के पास बैठा है, तो सुनील अगर हो जाएगा तो बिंदु इधर भी हो सकती है, तो पता नहीं अभी, बिंदु यहां भी हो सकती है, बिंदु यहां भी हो सकती है। उसने ऐसा ही कहा है मुझे कि संजय बिंदु के पास बैठा है तो ऐसे भी बैठ सकता है, ऐसे भी बैठ सकता है, और उसने ये बात भी कही है मुझे कि सुनील और संजय एक साथ बैठते हैं, एक आदमी और बच गया, देखते हैं कौन बच गया, सुनीता, तो सुनीता तो यही होगी, इसके अलावा कोई पहले सिंह बची नहीं, लड़ाई झगड़े इनमें है, सुनील और बिंदु में, उसको देखेंगे कहां तक है। और सुनील जो है वो सुनीता के पास बैठा है, पहली लाइन जो है उसने कही है, सुनील सुनीता के पास बैठा है, तो सुनील सुनीता तो यहीं आएगी हर हाल में, तो उसके पास सुनील बैठा है तो बिंदु नहीं होगी यहां पर, और बिंदु यहीं नहीं होगी तो फिर बिंदु यहां होगी, ये इसका डायग्राम है। और अगर डायग्राम में आपको किंतु परंतु लगता है, संशय है, डाउट है कि सही है या नहीं, तो पढ़ लीजिए दोबारा, सुनील सुनीता के पास बैठा है, सुनील सुनीता के पास बैठा है और संजय बिंदु के पास बैठा है, उसने ऐसा कहा है, सुमित बेंच के बाएं छोर पर है, बिल्कुल है, और संजय दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल ठीक है, सुनील और संजय एक साथ बैठे हैं, सुनील और संजय एक साथ बैठे हैं, सारी बातें सही, इसका मतलब अरेंजमेंट भी सही है। उसने सवाल ये पूछा है, सवाल आपके सामने है, सुनील डैश के बीच बैठा है, उसने पूछा है सुनील किस तरह से बैठा है, किन के बीच बैठा है, पहला ऑप्शन है सुनीता और बिंदु, सुनील जो है ये किसके बीच बैठा है, सुनीता और बिंदु के बीच बैठा है क्या, नहीं, ये तो सुनीता और संजय के बीच बैठा है, तो ऑप्शन देखते हैं, सुनीता और संजय सी ऑप्शन है जो राइट आंसर है आपका। इसी पर एक और सवाल और है, मध्य में कौन बैठा या बैठी है, मध्य में, तो मध्य में ये है, मध्य में दो लोग इधर छोड़ दिए, दो लोग इधर छोड़ दिए, तो कौन है मध्य में, सुनील, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है इसी के ऊपर,
बिंदु डैश बैठी है, तो बिंदु के लिए आपको बताना है बिंदु कहाँ बैठी है, अंतिम बाईं ओर, अंतिम बाईं ओर नहीं, अंतिम दाईं ओर है ये, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, अंतिम दाईं ओर, जी बिल्कुल सही है, अंतिम दाईं ओर, बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, बाईं ओर से दूसरे स्थान पर नहीं है बिंदु, बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, बाईं ओर से तीसरे स्थान पर भी नहीं है बिंदु, बिंदु दाईं छोर से अंतिम है, यही इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों सवालों की अप्रोच आप देखते चलें, किस तरीके से लोगों को बैठाना है, कहां आपको क्लियर हिंट मिलेगा तब आपका डायग्राम क्लियर होगा। वहां पर आपके एग्जाम में इस तरह के पैटर्न के सवाल आते हैं और हमें बेसिक से सीखना है लाइन अरेंजमेंट, तो मैंने आपको बताया लोग कैसे भी हो हमें एक ही लाइन बनानी है। अब अगर उत्तर में है तो हमारे हिसाब से चलेंगे और दक्षिण में है तो उसका विपरीत कर देंगे, यही हम पूर्व पश्चिम में करेंगे। खैर सवाल अगला, लास्ट सवाल और देखते हैं, सात दोस्तों का है, अभी हमने पांच और छह के सवाल किए, सात लोग आ गए हैं, सात मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ तथा जी, उत्तर की ओर मुंह करके, उत्तर की ओर मतलब जैसे आप बैठे हैं, उत्तर की ओर मुंह करके सरल रेखा में बैठे हैं, खड़े हैं, जी पंक्ति के बाएं सिरे से तीसरा है, यही लोग हैं, और जी पंक्ति के बाएं सिरे से तीसरा है, एक दो तीन, ये कौन है हमारे पास, जी, जी फॉर ग्रैप्स। आगे कहता है सी पंक्ति के सिरे पर है ही नहीं, सी ना तो इधर है और पंक्ति का सिरा चौथा पांचवा छठा सातवा, यहां पर भी सी नहीं है, इसका मतलब सी या तो यहां आएगा या यहां आएगा या यहां आएगा या यहां, ये जगह भी सी नहीं आ सकता क्योंकि जी ऑलरेडी बैठा है, दो जगह के लिए मना हो गया, तो या तो यहां बैठेगा या यहां या यहां या यहां, आई बात समझ में। आगे उसने कहा सी पंक्ति के सिरे पर नहीं है, बी सी के दाईं ओर पांचवा है, जो बी होना चाहिए वो सी के दाईं ओर पांचवा होना चाहिए, सी अगर यहां होगा तो दाएं पांचवा हो सकता है क्या, बी नहीं होगा क्योंकि उसने ऐसा कहा है कि बी जो है वो सी के दाएं होना चाहिए पांचवें नंबर पर, तो सी यहीं बैठ सकता है, सी यहीं बैठेगा, एक दो तीन चार पांच, यहां कौन आएगा, बी, क्योंकि यहां पर भी बैठता तो पांचवा बी नहीं कर सकते, यहां सी हो नहीं सकता, इसलिए जिस तरह की बातें उसके पास थी और आपकी हल्की सी प्रैक्टिस आपको बता देगी कि सी की सही पोजीशन यही है, तो बी जो है सी के दाएं पांचवा, एक दो तीन चार और पांच। अगला सवाल देखते हैं, ए डी के बाईं ओर दूसरा है, ए डी के बाईं ओर दूसरा है, तो ए जो है वो डी के बाईं ओर, तो ये जो जगह खाली है अगर मैं यहां ए को ले आऊं तो डी यहां बैठाना पड़ेगा, जगह नहीं, तो बाईं ओर दूसरा तो नहीं हुआ ए, ये तो तीसरा हो गया, इसका मतलब ये पोजीशन नहीं है। आगे उसने कहा है एफ पंक्ति के सिरे पर नहीं है, एफ भी यहां नहीं है, या तो एफ यहां आएगा या यहां आएगा या यहां आएगा, ये दो लाइनें ऐसी हैं जो पूरे अरेंजमेंट को सही कर सकती है। रीजनिंग में जहां आपको मुश्किल लगे उत्तर वहीं छुपा हुआ होता है, या तो एफ कहता है सिरे पर नहीं है, एफ की पोजीशन इन तीनों में से कहीं एक है, और ए डी के बाईं ओर दूसरा है, तो ए डी के बाईं ओर दूसरा यहां होगा, ए डी के बाईं ओर दूसरा, एफ यहां आएगा नहीं तो एफ आएगा यहां, क्योंकि उसकी पोजीशन यहां तीन में से एक थी, बाकी पे लोग बैठे हुए थे, यहां हो नहीं सकता एफ, तो यहां कौन बचा, जो भी बचा है ए बी सी डी ई एफ में से ई बच गया, तो हमारा जो कैंडिडेट बचा हुआ था ई, वो आएगा सिरे में बाईं ओर से पहला। और मैंने आपको बताया था कि यदि एक आदमी बच जाए, एक जगह बच जाए तो सोचो मत, वो उसी की जगह होती है। कोडिंग डिकोडिंग में एक शब्द बच जाए, एक कोड बच जाए तो सोचो मत, वो उसी का होता है। तो यहां पर ई बचा था, ई के लिए और कोई जगह नहीं थी, बैठाना तो है हमें, लेकिन ई बचा, जगह एक ही बच गई, सभी ने अपनी जगह यहां पर कहे अनुसार ली है, उसके बाद ई यहीं आता है। सवाल है व्यवस्था के अनुसार ठीक मध्य में कौन है, व्यवस्था के अनुसार ठीक मध्य में ए आएगा नहीं आएगा, ए ही आएगा, तीन इधर छोड़ दिए, तीन इधर छोड़ दिए, तभी ठीक मध्य में आएगा, और ठीक मध्य में हमेशा विषम संख्या में ही आता है। आगे देखें ए और बी के बीच में कितने लोग खड़े हैं, ए और बी के बीच में कितने लोग खड़े हैं, दो, एफ और डी, उसने पूछा है कितने, नाम नहीं पूछा, उसने पूछे हैं कितने, एक दो तीन या तीन से अधिक, तो मुझे पता है दो है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों
लाइन अरेंजमेंट के सवाल आज हमने किए और बेसिक से सिखाने की मैंने कोशिश की है, चाहे आप पहली बारी क्यों ना सीख रहे हो। आशा है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, किस तरह की अप्रोच रहनी चाहिए, किस तरह से आपको बनाना चाहिए, किन लाइनों को आप पहले उठाएं, इस तरीके से हम अरेंजमेंट को बना सकते हैं। तो बाकी की बात अब अगले वीडियो में करेंगे, जहां पर हम और लाइन अरेंजमेंट में कुछ हाई लेवल के सवाल देखेंगे पार्ट नंबर 2 में। और ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर चल रहा है, जिसको हम बड़े लेवल तक करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।